फॉर्म द डॉक्यूमेंट्स करते हैं फिल करने में तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल वाइज बिटाएंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे हम बैक टू बैक ध्यान से टू ले तो देखिए ध्यान से जैसे डी ए बी बी एस सी बी का यहाँ हम टाइप करेंगे गूगल में अपने आप आ जाएगा उसको फिर क्लिक करके ध्यान से खोल लेना है इट इज़ वेरी ईजी आ टाइप ऑन द क्रोम एंड यू गॉट द लिंक वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑन आवर डिस्क्रिप्शन उसको कट कर लेना है जो ऐड आ रहा है यहाँ पे उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन्स पे क्लिक करना है ध्यान से ऑनलाइन एडमिशन्स पे दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी क्लिक ऑन दैट इट एके ऑन द नेटवर्क इशूज़ आप जल्दी भी खुल सकता है और लेट uh, से भी खुलते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी देना है और पासवर्ड पासवर्ड इज सेंड थ्रू द कोड जो कि दो अंक का कोड है जो क्या मोबाइल नंबर पर सेंड होगा हम लोगों ने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दें जैसे सेंड कोड पर क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल पे कोड चला आएगा ध्यान से उसको फिन नंबर को डालकर पासवर्ड को डाल देना है और ध्यान से फिल करना है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू हाउ टू गेट इन द डी ए बी बी ए सी बी हाउ टू फिल द फॉर्म्स वेरी एक्यूरेटली जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा पासवर्ड डालिएगा एट टेक द टाइम्स वन मिनट टू मिनट डिपन अपॉन द थिंग्स पासवर्ड जो है वो जल्दी आ जाता है बट यहाँ लिखा होता है पासवर्ड्स में कम लेट फॉर टू टू थ्री मिनट्स दो से तीन मिनट्स तक आपको वहाँ पर वेट करना होगा उसका पासवर्ड अपने आप आ जाएगा आपका दो नंबर का पासवर्ड रहता है ऐसे आप क्लिक कीजिएगा फॉर्म आपका खुल जाएगा दिस इज दरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म क्लास यहाँ पर आपको चूज करना है किस क्लास के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो एल के जी यू के जी क्लास वन नेम ऑफ द चाइल्ड एज पर द रिकॉर्ड टू द बर्थ सर्टिफिकेट टी सी या मार्कशीट तो नेम में गलत ना करें डेट ऑफ बर्थ भी गलत ना करें ध्यान से दें चूँकि एक बार गलत हो जाएगा तो बार बार चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है और आपका सीट जो है वो मिस हो जाएगा नेशनलिटी मैक्सिमम इंडियन आधार नंबर अगर बच्चे का है तो ज़रूर दें उसका किस जगह कैटेगरी से आप लोग कहते हैं उसको ज़रूर दें उसके बाद यहाँ मदर टंग दिया हुआ है उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस जो कि आपको फ़िल करना ज़रूरी है मोबाइल नंबर इट इज़ ऑल्सो वेरी मैंडेटरी ई मेल अगर आप पास है प्रजेंट एड्रेस आपका क्या है फादर्स का नेम यहाँ पर क्या है वो देना है एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मैक्सिमम हो ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो बैंकर हैं गवर्नमेंट जॉब में है या बिजनेस मैन है या एग्रीकल्चर काम करते हैं जो भी वो करते हो यहाँ पर दिया नहीं भूले उसके बाद नेम ऑफ द अदर अपलाइंसेस से डिजाइनेशन क्या है उनका एड्रेस क्या है मोबाइल नंबर एंड एनुअल फैमिली इनकम सेम टू सेम चीज़ें मदरस में भी दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आकुपेशन हो माँ का जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है नेम ऑफ द ऑर्गनाइजेशन यहाँ पर वे काम करती हो रिजिटेशन क्या है एड्रेस क्या है मोबाइल नंबर क्या है यह अपलोड करने वाली बात जो यहाँ पर है वो दो सौ के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लीज़ अपलोड द फोटोजग्राफ प्रूफ ऑफ पेरेंट्स आई डी आधार एड्रेस प्रूफ एंड दर इज कॉल डी ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को प्रूफ करना है उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि चार्जेस कोई भी चेंजेस नहीं होंगे एंड डिक्लेशन लेटर को साफ साफ पढ़ लेंगे कि दैट इज ऑल द थिंग्स इज गिवन इज ट्रू एंड करेक्ट कोई भी चीजें यहां पर गलत नहीं दी गई हैं साफ साफ पढ़ लेंगे डिक्लेशन को दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पे करने के लिए यहां पर यहाँ पेमेंट मोड आ जाएगा आप ऑनलाइन यहाँ पे पे कर सकते हो दिस इज द मैथड टू हाउ टू फिल द फॉर्म वेरी एक्यूरेटली बहुत ध्यान से फिल करिए घबराहट में कभी भी फॉर्म को फिल ना करें बिकॉज इट इट इज वेरी वेरी बैड फॉर द चिल्ड्रेन चूँकि एक बार जो आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे दे दिया है वो चेंज नहीं होगा इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया है दैट इज़ करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फादर एज स्पेलिंग मदर स्पेलिंग्स एंड ऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ों को लेकर जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा दें यू गो ऑन द ऑनलाइन पेमेंट मोड एंड यू आफ्टर दैट यू हैव टू पे दिस इज द वे हाउ टू फिल द फॉर्म विथ एक्यूरेटली क्लास वन की यहाँ पर टू ट्वेंटी सीट्स है इसके वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल वाइज आप देख लीजिएगा मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ